आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखा, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी दी है 1.11, इसमें करना क्या है, तो हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। ये चाइना डिश है, इसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है। क्या लेना है? 1 ग्राम कॉपर पाउडर, उसको हीट देना है। बर्नर नीचे लगा दिया, उसको हीट देना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे क्या होता है? देखो एक यहाँ पे ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसे ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। ये वायर गेज, ये नेट है वायर, और ये बर्नर, और ये चाइना डिश, और अंदर क्या लिया है? कॉपर पाउडर। क्या लिया है? कॉपर पाउडर। अब देखो कि यहाँ पे जो हमने हीट दिया तो होगा क्या, तो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड। कॉपर का जो पाउडर था वो कोटेड विथ ब्लैक कॉपर, पहले ब्राउन था, फिर उसके ऊपर ये जैसे कोटेड सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर का लेयर बन गया, कोटेड विथ ब्लैक कॉपर टू। वो जो बना वो कॉपर टू ऑक्साइड, ये जो लेयर होता है ना वो ऑक्साइड का लेयर होता है, कॉपर ऑक्साइड। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, तो ये जो ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ वो क्यों हुआ? तो ये ऑक्सीजन ऐड होने से होता है, जैसे ऑक्साइड्स बनते हैं वैसे। यहाँ पे देखो, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो गया, कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो लेयर है वो किसका है? कॉपर ऑक्साइड का। ब्लैक लेयर जो है वो किसका है? कॉपर ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे दिया है कि Cu+O2, कॉपर था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो CuO बन गया। फिर ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया कि यहाँ पे CuO और यहाँ O2 होता है, तो O2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, फिर 2 Cu भी हो गए तो यहाँ 2 लगा दिया, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ये Cu+O2 यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ और कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो जब भी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, अब क्या करना है? इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, ये जो CuO यहाँ पे बना है गर्म करने के बाद, जिसके कॉपर के ऊपर क्या बन गया है? ऑक्सीजन का लेयर CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। जब हाइड्रोजन को इसके ऊपर से पास करेंगे तो जो ब्लैक कोटेड पार्ट था वो ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज द रिवर्स रिएक्शन, मतलब जैसा था वैसे हो गया, रिवर्स हो गया। टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, तो पहले जो हमने कॉपर लिया था वही फिर से ऑब्टेन हो गया। पहले कॉपर को हीट दी तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, एंड देन कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास किया तो क्या मिल गया? फिर से CuO मिल गया। क्या मिल गया? CuO मिल गया। तो इसका भी रिएक्शन नीचे दिया है, देखो कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस पास किया, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन गैस पास किया, हीट दी तो Cu+H2O अलग हो गया, राइट। तो इफ द सब्सटेंस, ये डिफाइन बन गई कि इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, इट इज सेड टू बी द ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो ऑक्सीजन गेन करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका खुद का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है, इट इज सेड टू बी अ रिड्यूस, वो रिड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे देखो CuO था, उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया और CuO बन गया, तो वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। और H2 जो था, H2 उसने ऑक्सीजन गेन कर दिया, H2O बन गया, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो देखो यहाँ पे वही दिया है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया और वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस्ड। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन क्या कर दिया? गेन कर दिया, गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, इन अदर वर्ड्स वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, एक रिएक्टेंट्स का क्या होता है?
रिडक्शन होता है और दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, गेट रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा जो रिएक्शंस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसका कॉमन नेम है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन देखो यहाँ पे दिया है कि ये सी यू ओ प्लस एच टू, अभी जो ऊपर लिखा हमने वो, तो यहाँ सी यू ओ में से सी यू बन गया, मतलब उसका रिडक्शन हो गया, उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया तो रिडक्शन हो गया, जिसने ऑक्सीजन गेन कर दिया उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सम अदर एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो, दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि जेड एन ओ जिंक ऑक्साइड प्लस सी, इट गिव्स जेड एन, ये जेड एन ओ था उसमें से जेड एन ओ लूज हो गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और कार्बन को ये ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीजन गेन करता है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जेड एन का रिडक्शन हो गया और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। नीचे दूसरा रिएक्शन दिया है कि एम एन ओ टू प्लस फोर एच सी एल, एम एन सी एल टू प्लस ट्वाइस एच टू ओ प्लस सी एल टू। तो यहाँ पे देखो ये एम एन ओ टू ऑक्सीजन इसके पास था पर एम एन ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, सी एल टू के साथ बॉन्ड बना लिया तो इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया तो एम एन मैंगनीज का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ सी एल था पर उसने ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों, मतलब ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन लूज करेगा तो रिडक्शन, ये इसकी डिफाइन भी होती है, राइट। यहाँ पे देखो वही दिया है कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू सी ओ, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड जेड एन ओ इज रिड्यूस टू जेड एन, जेड एन ओ में से जेड एन बन गया रिडक्शन होके। और दूसरे रिएक्शन में एच सी एल ऑक्सीडाइज टू सी एल टू, वेयर एज एम एन ओ टू इज रिड्यूस टू एम एन सी एल टू, राइट। तो दोनों में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हुआ। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजिज हाइड्रोजन, ये याद रखना है कि डिफाइन में क्या लिखना है कि वह सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन गेन करता है या लूजिज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज, उसका क्या होता है, वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। इफ अ सब्सटेंस लूजिज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन लूज करता है और हाइड्रोजन गेन करता है, जो ऑक्सीजन लूज करता है और लूजिज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये याद रखना है कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीजेशन, पर साथ में हाइड्रोजन रिमूव होगा तो भी वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, समझे। ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन प्लस होगा तो भी ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो भी ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा रिडक्शन में कर देना है, राइट, ये याद रखना है। अब नीचे देखो यहाँ पे दूसरी टॉपिक है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। डेली लाइफ में हमने कहीं पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया है, तो होता है बहुत जगह पर होता है, किसी भी मेटल का कोरोडेड होना, मतलब कोई भी मेटल खराब हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन से ही होती है। देखो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, आयरन लोहे की किसी भी चीज़ को लो तो शुरुआत में वो शाइनी होती है, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर विथ लेफ्ट फॉर सम टाइम, पर थोड़े टाइम के बाद वो उसके ऊपर ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है, हम जिसे बोलते हैं काट लग गए, राइट। तो दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, दूसरी मेटल्स होती है वो भी इसी तरह खराब होती है, जैसे हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर और सिल्वर मेटल है उसके ऊपर भी ऐसे कोटिंग कलर बनता है। वेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसिस अराउंड इन सच ए मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा, ये मेटल के आसपास जब मॉइस्चर और एसिड ऐसी चीज़ें होती है तब मेटल खराब हो जाती है, तो इट इज सेड टू कोरोड, उसे क्या बोलते हैं, कोरोड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन,
ये जो पूरा प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का कोट बन जाता है ऐसे। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर जो होता है कॉपर, उसके ऊपर हमने ग्रीन कलर का कोटेड देखा है, पीतल के ऊपर भी होता है, देखा है ना। तो आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, ये भी कोरोजन के एग्जाम्पल है। जैसे आयरन के ऊपर काट लगता है, ऐसे सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोट बनता है और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोट बनता है, राइट। तो कोरोजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज, कोरोजन की वजह से क्या होता है वो, तो कार बॉडीज डैमेज होती है, पुरानी जैसे जैसे हो जाए तो बॉडी पूरी खराब हो जाती है, वो कोरोजन की वजह से होती है। ब्रिज होते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस, वो भी डैमेज हो जाते हैं क्योंकि उसमें मेटल यूज होता है। आयरन रेलिंग्स, सीट्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, मेटल से जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं वो खराब होते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो आयरन से बने वो ज़्यादा खराब होते हैं, राइट। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, एवरी ईयर, हर साल इनॉर्मस मतलब बहुत सारी अमाउंट यूज होती है इसका, जो कोरोडेड पार्ट है वो रिप्लेस करने में। तो यू विल लर्न अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3, चैप्टर 3 में उसको और डिटेल में हम सीखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, क्या है रेंसिडिटी, तो ये रेंसिडिटी क्या होता है। तो हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तुमने फैट वाला सब्सटेंस या ऑयल वाला सब्सटेंस रखा हो लॉन्ग टाइम, तो उसकी स्मेल से तुम्हें पता चल जाएगा, स्मेल उसकी तुम्हें ना थोड़ी ऑड लगती है, खारे बोलते हैं ना, खारा हो जाता है, खोरा ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे हो जाता है। तो व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, तो ये क्यों होता है, तो जब उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम रखते हैं ना, तो फैट्स और ऑयल दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो दे बिकम्स रेंसिड, वो रेंसिड हो जाते हैं, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं, खोरा बोलते हैं ना, खोरा खोरा हो जाता है, वो ऐसे रेंसिड बोलते हैं उसे। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यूजुअली उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है ऑक्सीडेशन से, एंटी ऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग, उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट सब्सटेंस डालने पड़ते हैं, जिस जहाँ फूड फैट्स वाला और ऑयल वाला हो वहाँ पे। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, कीपिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो तो हम उसको थोड़ा ऑक्सीडेशन का रेट डाउन कर सकते हैं क्योंकि अंदर एयर उसको ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर्स, जो हम चिप्स खाते हैं, पाउच होता है उसका, यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस, उसके अंदर है ना ऑलवेज गैस भरी हुई होती है, देखना, तो वो गैस भरी हुई होती है ना, वो नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट्स है, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करता है, इसीलिए उसके अंदर हवा भरी हुई होती है ना जो पाउच में, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, तो ये तुम्हें याद रखना है। फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, देखो ये क्वेश्चंस में क्या दिया है, तो व्हाई डज, एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, कॉपर सल्फेट का कलर चेंज क्यों होता है जब आयरन नेल को उसमें डुबाते हैं, हमने एक्टिविटी देखी थी टू नेल्स वाली, तो उसमें होता क्या है कि आयरन नेल जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हमने देखा था कि आयरन जो है, आयरन वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, कैसा है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो उसकी वजह से आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट कंपाउंड में से Cu को डिस्प्लेस करता है, Cu को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, और फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट बनाता है, क्या बनाता है, आयरन सल्फेट, तो ये जो आयरन सल्फेट होता है ना उसका कलर ग्रीन होता है और कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू कलर था, तो वो कलर चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये कलर इसी की वजह से चेंज होता है कि उसमें प्रोसेस होता है पूरा, राइट। तो ये एक क्वेश्चन था, अभी दूसरा क्वेश्चन दिया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन एक्टिविटी 1.10, 1.10 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल्स देना है, तो उसका एग्जाम्पल सिंपल है,
लेते हैं। देखो Na2CO3, ये इसका आंसर ही मैं यहीं पे लिख देता हूँ। Na2CO3 एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं उसका, सोडियम कार्बोनेट्स, और उसके साथ लेते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन में होगा क्या? तो एक्सचेंज ऑफ कार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन्स एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ये कार्बोनेट आयन है और ये क्लोराइड आयन्स है, ये दोनों का, CO3 मतलब कार्बोनेट, Cl2 मतलब क्लोराइड, ये दोनों का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होकर नया सब्सटेंस बनेगा। देखो ऐसे बनेगा, CaCO3 एक्वियस प्लस ट्वाइस NaCl एक्वियस, ये बन गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है उसमें। ये जो है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने यही सीखा था कि दो आयन्स एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन एक्सचेंज हो गए, Na के साथ Cl हो गया और Ca के साथ CO3 हो गया और ये नया प्रोडक्ट मिला। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे रिएक्शंस दिए, उसमें कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है वो लिखना है। तो पहला दिया है 4Na सॉलिड प्लस O2 गैस, ट्वाइस Na2O सॉलिड ये दिया है। तो यह तुम्हें पता चल ही जाएगा, देखो कि यहाँ Na सोडियम था, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया। हो गया तो ऑक्सीजन मिक्स हो गया, मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया मतलब उसने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गेन कर लिया। और ये ऑक्सीजन तो रिड्यूस्ड हो गया, मतलब अब ये नहीं है, तो ये रिड्यूस हो गया। ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ये रिड्यूस ही होगा, राइट। तो ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन इसमें दिया है, ये रहा, मैं फिर से लिखता हूँ कि CuO सॉलिड प्लस H2 गैस। तो Cu सॉलिड Cu बनेगा प्लस H2O लिक्विड। ये भी हमने आगे भी देखा था कि CuO जो है कॉपर ऑक्साइड, उसके पास ऑक्सीजन था पर उसने लूज कर दिया तो Cu मिल गया, तो वो रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस। और H2 के पास कुछ नहीं था तो उसने ऑक्सीजन गेन किया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो Cu जो है वो रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस्ड, और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ तक इसके क्वेश्चन थे और ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। तो ये यहाँ तक कंप्लीट कर देना है, सारा टॉपिक्स वन टाइम लिख देना है, रेंसिडिटी भी और ये ऑब्जर्वेशन, ये वाला इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ये भी, और रेंसिडिटी भी पूरा लिख देना है, और आगे जो हमने देखा एक्टिविटी वाला प्रोसेस ये भी पूरा लिख देना है, राइट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा वन टाइम लिखना है, और ये एक्सरसाइज भी वन टाइम, जो अभी हमने लास्ट में सोल्व की वो भी वन टाइम लिखनी है, राइट। फिर उसकी टेक्सुअल एक्सरसाइज अब आएगी, वो हम बाद में देखते हैं। ओके।